जो है 365 दिन आप पानी कैसे पीते हैं? बस कुआं से पानी भर के। कुआं जिसे देश का सबसे अमीर राज्य कहा जाता है, इस पानी से खाना वाना सब बनाते हैं। हाँ। नहाते धोते किससे हैं? नदी है। नदी ये कहीं ना कहीं खराब हो गया है, मतलब ये चल भी नहीं रहा है। अभी मैं झारखंड के रामगढ़ जिले के एक गांव में हूँ और इस गांव में पानी की समस्या है और इनको देखकर लग रहा है कि ये जैसे 80 और 90 के दशक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुएं से पानी निकाल कर यहाँ के लोग आज भी पीते हैं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कुएं से पानी निकाला जा रहा है और आज हम डिजिटल इंडिया, आधुनिक इंडिया और आधुनिक भारत और आधुनिक हिंदुस्तान की बात करते हैं। और झारखंड का एक ऐसा गाँव है जो है जिस गांव में अभी भी कुएं से लोग पानी पीते हैं। क्या नाम हुआ गांव का चाचा? गंडके। हाँ? गंडके। गंडके। यहां पर पानी वानी नहीं आता है क्या नल से? नहीं नहीं आता है। तो यहां जो है 365 दिन आप पानी कैसे पीते हैं? बस कुआं से पानी भर के। कुआं से? कुआं में पानी नहीं सूखता है? नहीं सूखता, कभी भी नहीं सूखा है। हमको नहीं लग रहा है कि हमें 2021 और 22 के साल में जी रहे हैं। हमको लग रहा है कि जैसे 1988, 1989, 90 और 80 के दशक में हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा पहले ऐसे ही पानी निकाल कर पिया करते थे। सरकार की तरफ से इधर नल जल की व्यवस्था नहीं की गई है क्या? नहीं, पहले आ रहा था, बंद हो गया अभी बीच में। पहले आ रहा था, क्यों बंद हो गया है? ये रोड बन रहा था ना, उस समय कट गया है कहीं कहीं पाइप। अच्छा, तो पानी की समस्या, जैसे यहाँ पानी कम है, अगर बोरिंग किया जाए तो कितने फीट नीचे पानी मिलेगा लगभग? वही 300 फीट के नीचे। 300 फीट है। सुनने में आया कि 1000 फीट बोरिंग कर दिया जाता है तब भी नहीं मिलता पानी, कहीं कहीं ऐसा स्वर्थ रहता है तब न मिलेगा। देखिए, ये गांव है, छोटा सा गांव है और ये पहाड़ों की ओर से घिरा हुआ है चारों तरफ। एक कुआं दिखा, यहाँ पर एक लोग पानी निकाल रहे थे, इस पानी से खाना वाना सब बनाते हैं। हाँ। नहाते धोते किससे हैं? नदी है। नदी से? हाँ। मतलब ये पानी सिर्फ पीने के लिए है? हाँ। नहाने के लिए नहीं है? नहीं। नहाने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, गाय को पिलाने के लिए? नदी से। हाँ। मतलब जीवन, मतलब जब से आप पैदा हुए ऐसे ही देख रहे हैं ना? हाँ। कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं। चुनाव के समय में वादा किया जाता है पानी नल सब आएगा, लेकिन चुनाव के समय में इनके वोट लेने के लिए तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जो है पानी आएगा, नल जल घर घर पहुंचेगा, लेकिन जब चुनाव हो जाता है इसके बाद फिर कोई इनकी सुनता नहीं है। ये नहाने धोने, लेटरिन बाथरूम के लिए नदी में जाते हैं और पीने के लिए जो है कुएं से पानी निकालते हैं। बिजली उजली की भी समस्या है? बिजली है, है। हाँ। आती है दिन भर या वैसे ही कटी पीटी? कट कट के आते रहता है। अच्छा, इसको हम पी सकते हैं, इस पानी को पी सकते? निकाल कैसे, कोई दिक्कत? पानी तो बड़ा ठंडा है। पानी ठंडा रहता है। ठंडा रहता, तो इसी से जो है जीवन यापन चलता है। हाँ। अच्छा, आज तक ये कुआं सूखा है या नहीं? सूख जाता है, ज्यादा गर्मी आएगा तो सूख जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, ये जो है किसने कुआं बनवाया था, कुछ याद है या बाप दादा ने? नहीं, याद तो नहीं होगा। बुजुर्गों ने ही, वृद्ध लोगों ने? हाँ। देखिए, कचरा भी है इसमें, बाल्टी उल्टी गिरा है, काफी कचरा है, तब भी इतना शुद्ध पानी कैसे आ रहा है? कचरा भी है ना इसमें, तो ये सब ऊपर से गिरा था तो कचरा रहेगा ही सब। अच्छा, बाकी पानी पीने में बहुत शुद्ध है। देखिए, ये गांव है और गांव के लोग आज भी 80 और 90 के दशक वाला जीवन जीने पर जो है परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोग को पानी पीने की बड़ी समस्या। एक देखिए, सरकारी हैंडपंप लगा है, चापाकल है इसे कहते हैं यहाँ की भाषा में। थोड़ा कहूंगा विशाल से, जल्दी आए और दिखाने का प्रयास करें। देखिए, ये एक चापाकल है, यानी इसे नल बोलते हैं, और ये सरकार के बजट से लगा है, यानी हैंड पंप है, और ये हैंड पंप जो है ना ये चल नहीं रहा है। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि पानी के किस प्रकार यहां पर किल्लत है, और ये नल जो है ये कहीं ना कहीं खराब हो गया है, मतलब ये चल भी नहीं रहा है। या पानी आया है या नहीं आया, इसको दिखाइए ना एक बार, नल को, पानी आया है या नहीं आया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, चाचा हैं, चाचा पानी वानी आता है यहां पर? इस नल से आया है आज तक? नहीं आया। तो पानी कैसे पीते हैं? कुआं से। कैसे पानी पीती हैं चाची? कुआं से। हाँ। नल वल में नहीं आता है? नहीं। नल लगा था तो पानी आया था या नहीं? नहीं लगा था, तब भी नहीं आया था, तो ऐसे ही लगा गया दिखाने के लिए, ऐसे ही दिखाने के लिए लग गया था। अच्छा, जीवन कैसा रहता है? पानी वानी के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है सुना है, नदी वदी के किनारे। देखिए, यहाँ पर और एक कुछ महिलाएं हैं, ये बताइए पानी वानी कैसे पीती हैं आप? कुएं
कुआं से और नहाती धुलाती कहाँ से है? गड्ढा से, नदी से, गड्ढा से। तो खुजली उजली नहीं होता है नदी के पानी से नहाने से? होता है। इधर आइए ना, इधर आइए। खुजली उजली हो जाता है? हो जाता है। तो यहाँ पानी कैसे आता है? कुआं का पानी ही पीती है आप? वैसे ही पीते हैं। पानी नल से नहीं निकलता? नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है? अब कौन बहुत बड़ा बड़ा वादा करके जाता है इलेक्शन में। अच्छा, चुनाव होता तो वादा करके जाता कि नल लगवाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, मगर कहाँ नहीं लगाता। नहीं लगाता है, सब झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। वोट मिलने के बाद कोई नहीं दिखाई, कोई नहीं दिखाता है। अच्छा, तो ये बातें सत्य है कि जो है यहाँ पानी नहीं आता? नहीं आता है। देखिए, ये महिलाएं हैं और गांव के लोग हैं, मजबूर हैं। ये लोग मजबूर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आता है। और झारखंड, जिसे देश का सबसे अमीर राज्य कहा जाता है, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का 40% खनिज निकलता है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। आज भी यहाँ के जो है सरकारें अमीर है, नेता, विधायक, MLA, MP, जो है MLC, सब अमीर है, लेकिन ये राज्य अमीर है, लेकिन यहाँ के राज्य के लोग जो हैं वो आज भी गरीब हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब को गरीब बनाया जाता है और अमीर को अमीर बनाया जाता है। पानी पीने की समस्या है, पानी नहीं है, कुआं से लोग पानी पीते हैं, और यही झारखंड की सच्चाई है। क्या मुख्यमंत्री जी को ये सारी चीजें नहीं दिखती है क्या? बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।